मोहन के रस को दीपक जी हम यहाँ हैं 2003 से। अच्छा, ये यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती थी जैसा मुझे पता चला जी। कब से है स्थापना इस कॉलेज की? इस कॉलेज की स्थापना बहुत प्राचीन है, लगभग 1921 की है। अच्छा, आज इसमें शिक्षकों की संख्या जैसा पता चला बहुत कम है, क्या रीजन है इसके? अब यहाँ लोग रिटायर हो गए, कोई नया नहीं आया, तो प्रबंधकीय विवाद भी है। अभी कितने बच्चे यहाँ एनरोल्ड हैं करीब? लगभग 50-55 लड़के यहाँ हैं। अभी पिछले सत्र में ही प्राचार्य जी सेवानिवृत्त हो गए, तो पठन पाठन के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बगल के स्कूल से प्रभार दिया गया है, एक शिक्षक की वहां पर तैनाती की गई है। जहां तक परमानेंट व्यवस्था का सवाल है, वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के स्तर से ही वहां पर शिक्षक और प्राचार्य तैनात किए जाएंगे। वहां पर सर एक बाबू हैं जो तैनात हैं, उन्होंने बताया कि अभी तक यहां कोई नहीं आता है और 2001 से लगातार जो वहां से रिटायर होते गए हैं उसके बावजूद बाद कोई भी वहां शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, तो इससे सर पठन पाठन भी वहां का प्रभावित हो रहा है? निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहा है और हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हमने तो प्रयास करके एक शिक्षक की वहां पर तैनाती कर दी है जो प्रभारी प्राचार्य का काम देखते हुए पठन पाठन में भी सहयोग करेंगे। लेकिन जो पोस्ट वैकेंट है वो नियुक्तियां तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से होनी है और इस बारे में विस्तृत जानकारी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ही दे पाएगा कि वो कब तक शिक्षकों की तैनाती कर रहे हैं।